इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे सीटी पोलैरिटी। सीटी पोलैरिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हमें ड्यूरिंग कमीशनिंग सीटी पोलैरिटी को वेरीफाई भी करना चाहिए। अब हम इसकी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये सिंबल है करंट ट्रांसफार्मर का और इस पे आप देख सकते हैं P1 और P2 लिखा हुआ है। P इस शो कर रहा है प्राइमरी साइड, 1 एंड 2 बेसिकली पोलैरिटी को शो कर रहा है। सेकेंडरी साइड आप देख सकते हैं कि S1 एंड S2 से शो किया जा रहा है। तो पोलैरिटी हम द प्राइमरी साइड पे P1 P2 और सेकेंडरी साइड पे S1 और S2 से शो करते हैं सीरीज के अंदर, या फिर डॉट रोटेशन। आप देख सकते हैं कि ये डॉट रोटेशन जो है ये शो की गई है। तो प्राइमरी पे एक डॉट बना हुआ है और एक डॉट जो है वो सेकेंडरी के ऊपर बना हुआ है। तो पोलैरिटी बेसिकली क्या शो कर रही है कि अगर करंट प्राइमरी करंट इस डॉट से इन हो रहा है तो सेकेंडरी करंट इस डॉट से आउट होगा। तो P1 से करंट एंटर हो रहा है तो S1 से करंट लीव होगा। तो ये बेसिकली पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट है। अल्टरनेटिंग करंट जो है वो हर हाफ साइकिल पे अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, लेकिन फॉर अ गिवन इंस्टेंस जब डायरेक्शन ऑफ करंट प्राइमरी करंट इन हो रही होगी तो P1 से, तो सेकेंडरी की आउट हो रही होगी S1 से। P1 और P2 जो है वो मार्किंग प्राइमरी साइड पे, आप अगर सीटी को देखेंगे ड्यूरिंग कमीशनिंग या किसी नए पैनल में आपको सीटी आप जब आप चेक करेंगे नेक्स्ट टाइम, आप देखिएगा P1 और P2 मार्क हुआ होता है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि P1 और P2 की जो मार्किंग है या प्लेसमेंट है सीटी की, वो एज पर ड्राइंग होनी चाहिए। तो अगर आपका सीटी इंस्टॉल्ड है किसी डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम में या डिस्टेंस प्रोटेक्शन में या डायरेक्शनल ओवर करंट प्रोटेक्शन में, जहाँ डायरेक्शन ऑफ करंट इंपॉर्टेंट है, मैटर करती है, तो वहाँ ये स्कीम, यहाँ वहाँ तो करंट पोलैरिटी 100% आपको चेक करनी चाहिए और मेक श्योर करना चाहिए कि पोलैरिटी करेक्ट है। मिसाल के तौर पर अगर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में सीटी पोलैरिटी रॉन्ग होगी तो उस केस में डिफरेंशियल करंट जो है वो हमेशा आता रहेगा। बैलेंस कंडीशन में भी डिफरेंशियल करंट आएगा और डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जो है वो बैलेंस कंडीशन में भी ऑपरेट करेगी। ऑल दो द सिस्टम इज हेल्दी, लेकिन बिकॉज पोलैरिटी ऑफ सिटी इज रॉन्ग तो आप जो है प्रोटेक्शन मॉल ऑपरेट करेगी। जबकि जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक में प्रोटेक्शन स्कीम्स है, प्रोटेक्शन रिलेज है, वो नॉन डायरेक्शन रिलेज है, वो डायरेक्शन ऑफ करंट को सेंस नहीं करती हैं। फिर भी पोलैरिटी इंपॉर्टेंट है, यानी इन दैट केस अगर आप नॉन डायरेक्शनल रेज लगी हुई है तो तमाम सीटीज की पोलैरिटी एक डायरेक्शन में होनी चाहिए, यानी P1 सारे एक साइड पे हो और P2 सारे एक साइड पे हो। अगर एक P1 और P2 डिफरेंट डायरेक्शन में होगा तो रिले मॉल ऑपरेट करेगी। वो हम देखेंगे किस तरह करती है। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। तो टेस्टिंग सीटी की बात कर लेते हैं पोलैरिटी की। एक मेथड है बैटरी मेथड। आप ये देख सकते हैं सेल आपने यूज किया हुआ है, या 9 वोल्ट बैटरी यूज की हुई है। पॉजिटिव आपने कनेक्ट कर दिया P1 पे और नेगेटिव कनेक्ट कर दिया P2 पे, और सेकेंडरी साइड पे आपने गैल्वानोमीटर, 0 सेंटर गैल्वानोमीटर आपने रख दिया, कनेक्ट कर दिया। आप इसको बैटरी को टच करेंगे, पल्स देंगे। पल्स जब आप देंगे तो सेकेंडरी साइड पे नीडल मूव करेगी और पॉजिटिव साइड पे मूव करती है। इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन ऑफ सीटी पोलैरिटी जो है इंडिविजुअल सीटी की ठीक है। तो हर सिटी की पोलैरिटी आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। लेकिन आजकल जो नए टेस्टिंग इक्विपमेंट्स आए हैं वो ऑटोमेटेड है, उसमें आप जस्ट कनेक्शंस करें P1 P1 और P2 का और S1 और S2 का, और आप जो है सिंपली ऑटोमेटिक टेस्टिंग से रिजल्ट्स मिल जाते हैं कि रेशियो क्या है, पोलैरिटी क्या है, करेक्ट है या नहीं है, सेचुरेशन, नी पॉइंट, हर चीज़ आपको मिल जाती है। लेकिन बेसिक क्वेश्चन में पता होना चाहिए, इन केस अगर करनी पड़ जाए आप उस सिंपल मेथड और टूल के जरिए आप ये परफॉर्म कर सकते हैं। एक और मेथड भी है पोलैरिटी चेक करने का, जिसमें आप प्राइमरी इंजेक्शन टेस्ट किट को यूज करते हुए, प्राइमरी करंट को इंजेक्ट करते हुए भी कर सकते हैं। वो हम लेटर इन दिस ट्रेनिंग लेटर स्टेज पे देखेंगे वो कैसे किया जाता है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये के इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अंदर अगर सही प्रायोरिटीज हैं सिटीज की, और ये 3 सिटीज लगे हुए हैं, रेड, येलो एंड ब्लू, और आप ये देख सकते हैं कि इसकी जो मार्किंग है P1 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 हर हर सिटी एक ही डायरेक्शन में है और करंट P1 से एंटर और S1 से लीव कर रहा है हर सिटी के अंदर। सो प्रायोरिटी ऑफ सिटीज आर बेसिकली करेक्ट।
इन दिस केस आप ये देख सकते हैं कि ये रेड है, ये येलो है, ये ब्लू है, और हम ये अज्यूम करते हैं कि तीनों फेजेस का करंट सेम है और बैलेंस है। तो आप देख सकते हैं कि हर फेज दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट है। अच्छा, जब इसका आप वेक्टोरियल सम करेंगे तो ये बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल, तो आप देखेंगे आई एन विच इज इक्वल टू आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी विल बी इक्वल टू जीरो। सो तीनों का सम जीरो होगा और न्यूट्रल में करंट कुछ भी नहीं होगा। सो दिस सिस्टम इज बैलेंस एंड द न्यूट्रल करंट इज जीरो एंड रिले इज नॉट सेंसिंग एनी करंट इन द न्यूट्रल इफ द सिस्टम इज बैलेंस। अब हम एक केस और देख लेते हैं। इस केस के अंदर हम ये देख सकते हैं कि रेड की पोलैरिटी करेक्ट है, येलो की पोलैरिटी अपोजिट हुई हुई है, या तो वो सीटी उल्टा रख दिया गया है या फिर उस सीटी की जो मार्किंग थी P1 P2 किसी वजह से गलत प्रिंट हो गई है। तो ये मुमकिन है कि आपकी एक सीटी की पोलैरिटी रॉन्ग हो। तो ये देख सकते हैं तीसरा जो ब्लू फेज है उसकी पोलैरिटी भी करेक्ट है। तो एक फेज की डायरेक्शन आप देखें येलो फेज की रिवर्स हो गई है, बाकी रेड और ब्लू की करेक्ट है। तो इस सूरत में क्या होगा, आप देखें जस्ट येलो पहले यहाँ था 120 डिग्री अपार्ट, अब ये बिल्कुल रिवर्स हो गया और इसकी जो डायरेक्शन है आप देख सकते हैं कि इस तरह से आ गई। अगर इसको आप न्यूट्रल करंट मालूम करना चाहते हैं जस्ट अप्लाई हेड टू टेल रूल, और आप ये देख सकते हैं कि इवन दो सिस्टम इज परफेक्टली बैलेंस, एवरीथिंग इज फाइन, मैग्नीट्यूड इज इक्वल ऑन ऑल थ्री फेजेस, स्टिल ये इतना जो करंट है वो रिले रीड करेगी अर्थ एलिमेंट के अंदर, या ये वो करंट है जो कि रिले कंसिडर करेगी अर्थ फॉल्ट करंट, और रिले जब भी इसको आप ऑन करने की कोशिश करेंगे जब करंट बढ़ेगा एक खास लेवल से ये ट्रिपिंग करवा दे रही है अर्थ फॉल्ट को सेंस करते हुए, हालांकि अर्थ फॉल्ट नहीं होगा। इस तो इतनी इंपॉर्टेंट है पोलैरिटी को चेक करना, पोलैरिटी को मैनेज करना, ये